उम्मीद करता हूँ आज आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो का टॉपिक जैसे तो आपने पढ़ लिया होगा कि हाउ टू चेंज अ साइलेंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने साइलेंसर चेंज करना है। जैसे कि मेरा साइलेंसर आप देख सकते हैं काफ़ी रफ़ हो चुका है, डर्टी हो चुका है, तो मैंने इसको क्रोम के लिए देना है ताकि मैं इसको क्रोम करा सकूँ, अच्छी शाइन पैदा हो सके, तो इसको हमने चेंज करना है। सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, और शेयर भी ज़रूर कीजिए करें ताकि आपकी वजह से और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने ऊपर से ये वाला नट और इस साइड से आपने ये वाला नट खोलना है विद द हेल्प ऑफ 10 नंबर की, आपने टी से या ऑयल की इस की से। तो सबसे पहले आपने ये वाला नट खोलने हैं, उसके बाद आपने यहाँ सर ये चिमटे का नट खोलना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास 18 का पाना है, 18 नंबर के पाने से आपने चिमटे का नट खोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नट लूज करने के बाद अंदर वाले इन नट्स को भी खोल लेना है। इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पर नट होंगे दो, यहाँ पे उनको खोल लेना है, और यहाँ से मैंने ये नट खोले हैं। इस साइड से आपके पास एक नट है, आपने इस नट को भी खोल लेना है। जैसे कि ये नट आपको नज़र आ रहा होगा, ये नट है, इस नट को भी आपने खोलना है, और आपने साइड से अंदर वाले दो नट को भी खोल लेना है। उनको खोलने के बाद आपने यहाँ से ये कोने निकाल लेनी है, जैसे कि ये मैंने कोने निकाली हैं, ये यहाँ पर लगी होती हैं, इनको बाहर निकाल लेना है। और आपने सेंसर को ऐसे लाकर, ये देखें हिल रहा होगा सेंसर को, आपने लाकर रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि ये आपने पुराने सेंसर में से निकाल के इसमें यूँ डाल लेना है, और उसके बाद आपने इसकी ये वाली पतरी लगानी है, ये जो पतरी है इस पतरी को यहाँ पर लगाना है और नट को टाइट करना है। फ्रेंड्स आपने सेंसर को ऐसे बैठाने के बाद आपने सबसे पहले ये जो पतरी है एक कोन को आपने यहाँ पर रख लेना है, ऐसे की चली गई है। उसके बाद ये आपकी सेकंड कोन है, इसको आपने ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड पर ऐसे आपने इसको अंदर डाल देना है इसके। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि आपने जो है इसका ये जो कड़ा है नीचे, इसको ऊपर लेके जाना है। और फ्रेंड्स आपने आगे से टाइट करने के बाद दोनों नटों को अच्छे तरीके से आपने ये जो नट है बैक पे इसको एक्सटर्नल डालना है, यहाँ पर ये वाशर। उसके बाद आपने ये नट है इसका, इस नट को यहाँ पर रख कर टाइट करना है। तो फ्रेंड्स ये आपने इस तरीके से अपने नट वगैरह को टाइट कर लेना है। तो यही थी हमारी आज तक की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो आपको तो लाइक ज़रूर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो ठंड से बचने के लिए एहतियाती तदबीर ज़रूर इस्तेमाल करें। यही तक थी हमारी आज की वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।